चंबा के चौगान में 16वें राजकुमार विजेंद्र सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी एसी नेयर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। गौरतलब है कि हर वर्ष चंबा के युवा क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए राजकुमार विजेंद्र सिंह के नाम पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जिसमें 60 से 80 के लगभग टीमें भाग लेती है। इस वर्ष भी इस प्रतियोगिता का आयोजन चंबा के चौगान में किया जा रहा है, जिसमें 60 के लगभग टीमें भाग ले रही है। जनरल सेक्रेटरी राजकुमार विजेंद्र सिंह क्रिकेट क्लब, मुझे बहुत खुशी है कि ये हमारा 16वां टाइम ये हमारा टूर्नामेंट चंबा चौगान में खेला जा रहा है। और ये जो टूर्नामेंट है ये सिर्फ चंबा डिस्ट्रिक्ट के बच्चों के लिए होता है, क्रिकेटर्स के लिए, और इसमें बहुत पार्टिसिपेशन टीम्स की रहती है। नॉर्मली 60 to 70 टीम्स हर साल पार्टिसिपेट करती है, और इसमें क्लब की तरफ से बच्चों के लिए रिफ्रेशमेंट की जगह लंच का प्रबंध रहता है। और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए कि अपने प्रतिभा को निखारने के लिए। और वैसे भी सभी जानते हैं कि चौगान क्रिकेट का बहुत क्रिकेट का इतिहास रहा है, चौगान में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं चंबा के, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट के बच्चे यहाँ खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। और हमारे क्लब की पूरी कोशिश होती है कि इस टूर्नामेंट को अच्छे से अच्छे करवाए और इसको सक्सेसफुल बनाए। राजकुमार ब्रजेंद्र सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, और ये पॉसिबली 30 to 40 डेज तक ये खेला जाएगा, डिपेंड करता है मौसम कैसा रहता है। अगर मौसम बीच में ख़राब होता है तो थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, अदरवाइज 40 डेज तक ये टूर्नामेंट हर साल चलता है। इनफैक्ट लास्ट ईयर कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, तो 2 साल के बाद क्रिकेट चौगान में हो रहा है, तो बच्चों में बहुत उत्साह है, बहुत एक्साइटमेंट है, और हमारे जो दर्शक लोग हैं आसपास के जो गांव से लोग आते हैं उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। सर कितनी की टीमें यहाँ जो है अभी आई हैं, कितनी की टीमों ने? अभी हमारे पास रिक्वेस्ट 60 टीम्स की आ गई हैं, वी एक्सपेक्टिंग 10 टीम्स, शायद 10-20 टीम और आ जाए, तो लेट्स सी, इतनी 60 से 80 के बीच टीम्स इसमें हर साल आती है। आपको ज्ञात है कि 2 साल के बाद राजकुमार विजेंद्र सिंह टूर्नामेंट आज शुरू हुआ है, और मुझे मौका मिला कि आज की इनॉग्रेशन करूं। जैसे आपको मालूम ही है कि राजकुमार विजेंद्र खुद एक बड़े अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, और मुझे मौका मिला उनके अंडर मैच खेलने का। मुझे याद है कि हम ये तीन इंटर डिस्ट्रिक्ट हमारे जो थे उनके साथ ही हमारे साथ खेलने गए थे। जैसे आपको मैं याद है, ड्यू टू कोविड कोरोना की वजह से 2 साल यहाँ मैच नहीं हो सका, और 1-2 मैच तो अपने पुलिस ग्राउंड में राजकुमार साहब के कराए, लेकिन लड़कों के अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं जो यहाँ पर चौगान में खेलने का इंटरेस्ट होता है। चौगान में इस चौगान ने चंबा वालों क्रिकेट के लिए बहुत कुछ दिया है। जैसे आपको मालूम होना कि कम से कम 16 लड़के रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं, 4 कैप्टन रिकॉर्ड है ये कि चंबा से 4 कैप्टन हिमाचल के रणजी ट्रॉफी के कैप्टन हुए हैं, जो आजकल हिमाचल में किसी में नहीं रहे हैं। और इस टूर्नामेंट के लिए जो हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं वह राजीव सहगल है, इनके साथ विकास शर्मा है, कमलिकांत जी हैं, ये सारे जो है नरेंद्र मल्होत्रा है, ये सारे दीवान साहब हैं, ये सारे मेहनत कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि ये चौहान आप जो जैसे देख रहे हैं लोगों में इतना इंटरेस्ट है, अब तक 60 टीमें एंट्री दे चुकी हैं, और पूरी उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा टीमें इसके अंदर आएंगी। और यहाँ से जो बच्चा खेल के जाता है तो नेचुरली जो चंबा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की उनकी नज़र रहती है, जो इस बच्चा खेलेगा उसको आगे खेलने का मौका मिलेगा।